हम देख रहे हैं विविध वादक वृंदों का विशेष संचलन, संचलन और मनोरम्य आकृति बंध। हम देख रहे हैं विविध वादक वृंदों का विशेष संचलन और मनोरम्य आकृति बंध। अनेक प्रकार की भौमितिक रचनाएं बना रहे हैं स्वयंसेवक।
सामूहिक गीत गान शिविर के लिए रचित विशेष गीत पांचजन्य विजय घोष धर्म का करें। अपने विचार प्रस्तुत करते हुए प्रमुख अतिथि श्री जी नारायणन, पास में विराजमान है पूज्य सरसंघ चालक मोहन राव जी। भगवत जी इन तेलुगु में भागवत वारु इन अवर प्लेस दे आर नोन एज भागवत वारु ज्योति बहन एंड सब भाई लोग एंड सबको नमस्ते। आज मुझे जब वो लोग पूछे थे मैं यहाँ आने के लिए
तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि मैं सेवा की, स्वयं सेवा की रूप जब मैं कच्छ में भूकंप हुआ उस वक्त हम लोग ड्यूटी किए थे, हमारे सब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं एक एक वीक का ड्यूटी किया। उस वक्त जो स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो सेवा किया, वो मेरा दिल में और मन में बैठा है। वो विदाउट लुकिंग इनटू एनी रिलीजन, कास्ट, स्टेट, लिमिट, वहाँ जो हुआ सेवा हुआ, स्पेशली जो वहाँ के देह का निकाल के उसका संस्कार करने का वो लोग किया, उसमें सब लोगों में एक प्यार आई थी। याद दिला रहा हूँ, क्या राष्ट्र फर्स्ट, राष्ट्र राष्ट्र बोले थे क्या, भारत, इंडिया। भारत का मतलब क्या है, भारत का मीनिंग है, लोग बोलते हैं भरत राजा ने बताया इसलिए भारत, सिर्फ वो नहीं है। भारत, भा मीन्स लाइट, प्रकाश, भारवी, भानु, शुभा, विभा, अभा, भा बोले तो लाइट, प्रकाश बोले तो ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, समझ, ये है लाइट। सो भारत जो लाइट में रत होता है, जो प्रकाश में एंगेज्ड है, वो है ला। सो अपन ऑल इंडियंस, हम सब लोग, भारत का मतलब है वी आर पीपल ऑफ लाइट। हम डार्कनेस के गए, ऑलरेडी तमसोमा ज्योतिर्गमय हो गया, भारत में पैदा हुआ वो तमसोमा ज्योतिर्गमय हो गया। वसुंधरा परिवार हमारा, हिंदू का यह विशाल चिंतन, इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा, शिविरार्थियों एवं उपस्थित नागरिकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं पूज्य सर संघ चालक। संघ के बारे में जो बोलना चाहिए वो बहुत थोड़े में और रोचक ढंग में अपने आज के प्रमुख अतिथि महोदय ने बोल दिया है। संघ के स्वयंसेवक तो ये समझ गए हैं कि दूसरे शब्दों में बहुत थोड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ही हम सब लोगों ने सुना है। हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी अगर संघ को आकर देखेंगे, संघ के अंदर प्रवेश करके अंदर से देखेंगे, तो उनको भी ये अनुभव आएगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो कहा वही संघ कर रहा। संपूर्ण विश्व को प्रकाश देना यह भारतवर्ष का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। उसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करना है। उन्होंने कहा डॉग से गॉड बनना है, अपनी अधम्पतित अवस्था से स्वयं को बाहर निकाल के दैवी संपद युक्त कार्यकर्ता बनना है। हिंदू समाज को संगठित करना और भारतवर्ष को परम वैभव संपन्न बनाना, किस लिए? सारी दुनिया को सुख शांति का नया रास्ता दिखाने के लिए। दुनिया आज वो रास्ता चाहती है और दुनिया अनेक प्रयोगों के बाद 2000 वर्षों से प्रयास करके अब थक गई है और समझ गई है